वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है अक्षय तृतीया। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पे किए गए पुण्य कार्यों का कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी वो पुण्य कार्य समाप्त नहीं होते, उनका सदैव जीवन पर्यंत आपको फल मिलता रहता है, लाभ मिलता रहता है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। ऐसे सौभाग्यम में आपका स्वागत है। ऐसे सौभाग्यम के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है और इस वर्ष यानी कि 2024 में ये आ रहा है पर्व 10 मई को। जी हाँ, 10 मई को है अक्षय तृतीया का पर्व, जिसको कि आखा तीज भी कहा जाता है। ये वो पर्व है जब सारे सुख संयोग होते हैं, ग्रह इस प्रकार होते हैं कि जो अधिक से अधिक लाभ देते हैं। कहा जाता है कि ये धन वर्षा का समय होता है। आप धन लक्ष्मी के लिए, आप लक्ष्मी जी की आराधना करके, आप विष्णु जी की आराधना करके धन और पुण्य दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि कब है अक्षय तृतीया, क्या होगा मुहूर्त, क्या होगा अक्षय तृतीया का महत्व तो इतना अधिक क्यों है, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना, उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार हमको यत्न करना चाहिए कि वो प्रसन्न हो और हमको हमारी मन चाहे वरदान प्राप्त हो। लक्ष्मी पूजन कैसे करें वह भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई अन्य कौन सी वे धार्मिक बातें हैं जिनका भी बहुत महत्व होता है, और क्या दान करना चाहिए, क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या इस दिन खरीदना चाहिए, और कौन कौन से शुभ कार्यों के लिए भी यह दिन अच्छा होता है। आगे बढ़े उसके पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध, हमारे इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को अक्षय तृतीया के विषय में ज्ञात हो, वे मुहूर्तों को जान सकें और वे भी दान करके और पूजन करके इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। अक्षय तृतीया का अवसर जो आता है वो आता है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, इसको आखा तीज भी कहते हैं, और अगर इस दिन रेवती नक्षत्र पड़ता है तो वो उसकी शुभता को और बढ़ा देता है। इस दिन अर्थात 10 मई को अक्षय तृतीया की तिथि सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगी और रेवती नक्षत्र होगा सुबह 7:47 तक, उसके बाद लगेगा मृक्षरा नक्षत्र। अक्षय का अर्थ होता है कभी ना नष्ट होने वाला, अर्थात वो पुण्य जो कि कभी भी नष्ट न हो, इसलिए अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व होता है। हमें इस दिन जो पूजन करनी होती है, जो हमें दान करना होता है, अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि होती है जिस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है जिस दिन चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, चाहे गोल्ड खरीदना हो या वाहन खरीदना हो, इस दिन पूरे दिन मुहूर्त माना जाता है और इस दिन कोई भी और इस दिन खरीदे हुए वस्तु को बहुत शुभता की दृष्टि से देखा जाता है। ये वो विशेष दिन होता है जिस दिन सोना चांदी या धातु जो शुभ धातु होती है उनको भी खरीदा जाता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे आगे। ये वो दिन है जब आप लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, आप माँ लक्ष्मी जी से याचना करते हैं कि वो आपको धन दौलत प्रदान करे, वैभव प्रदान करे। यूं तो दीपावली के दिन भी हम माँ लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, उनसे यही याचना करते हैं कि वो हमको संपन्नता प्रदान करे, परंतु अक्षय तृतीया पे एक विशेष बात यह होती है कि हम इस दिन भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। विष्णु भगवान जो कि दाता हैं और लक्ष्मी जी जो आपको धन को स्थिर करती हैं, जो आपको वैभव देती हैं, ये दोनों का एक पर्व है। तो हमें पूजा अर्चना करके, उनसे प्रार्थना करके इस पर्व का विशेष लाभ उठाना चाहिए। हमें ऐसे पुण्य कार्य करना चाहिए ताकि ये पुण्य हमारे साथ वर्ष भर और जीवन भर हमारे साथ रहे। लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की पूजन विधि बताऊं उसके पहले बात कर लूं उस दिन के विशेष मुहूर्त की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः काल से ही अक्षय तृतीया हो जाएगी।
प्रातः काल रहेगा रेवती नक्षत्र और उसके बाद होगा मृक्ष नक्षत्र। परंतु प्रातः काल से जो एक मुहूर्त आता है, जो एक योग आता है, वो आता है अतिगंड योग। अतिगंड योग को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस योग में किसी भी वस्तु को क्रय करना, किसी बड़ी वस्तु को या धातुओं को क्रय करना, सोना क्रय करना, वाहन क्रय करना, यह अच्छा नहीं माना जाता। इस योग में तो दान दिया जाता है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि इस अवधि में किसी नई वस्तु का क्रय नहीं किया जाए। हाँ, इस समय आपका दान देना शुभ होता है। तो यह अतिगंड योग है दोपहर में 12:07 तक, और उसके बाद जो योग आएगा वो आएगा सुकर्मा योग। जैसा कि नाम से विदित है, यह सुकर्मा योग है जो कि एक बहुत पुण्य योग होता है, जिस समय आप किसी भी वस्तु को क्रय कर सकते हैं। विशेष तौर से शुभ धातु को क्रय करें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, पीतल खरीदें, तांबा खरीदें, और भी कोई भी शुभ वस्तु है, अलंकार है, आप उनको खरीद सकते हैं। अगर सोना खरीदने की और चांदी खरीदने की आप नहीं सोच पा रहे हैं या आपकी आर्थिक क्षमता नहीं हो रही है, तो कोई छोटा सा छोटा बर्तन या किसी प्रकार की धातु खरीदना आपके लिए शुभ होता है। लोहा इस दिन हमें नहीं खरीदना चाहिए। आप कोई नया वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया से अच्छा दिन तो कोई होगा नहीं। इस दिन आप वाहन खरीद सकते हैं। आप वाहन खरीदेंगे एक शुभ मुहूर्त में, तो आने वाले समय में आप और भी बड़े वाहन और भी अधिक वाहन खरीदेंगे। ऐसी सुकर्मा योग दोपहर में, मैंने कहा 12:07 के पश्चात आएगा, तो उस समय आप कोई वस्तु क्रय कर सकते हैं। और अतिगंड योग में आपको दान देना है, किसी गरीब को दान दें, उसको भोजन कराएं, उसको भोजन की सामग्री दान करें। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो दान जिसे दें वो सुपात्र हो। जी हाँ, अर्थात आप घर के किसी नौकर को या किसी परिचित को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी सेवाओं का आप लाभ लेते हैं, उसको आप दान देते हैं, तो वो कोई विशेष महत्व का नहीं होता, क्योंकि उससे तो आपका मन जुड़ा हुआ होता है। किसी गरीब को जो कि वास्तव में याचक है, जिसकी वास्तविक आवश्यकता है, आप उसको अनजान व्यक्ति को दान देते हैं, तो वो पुण्य फल की आपको प्राप्ति होती। जो व्यक्ति शनि की 7.5 से या ढैया से पीड़ित है, उनके लिए भी पूजन का बड़ा महत्व होता है। ऐसे दिन पुण्य कार्य करने से, दान देने से आपकी शनि के ढैया और 7.5 का दुष्प्रभाव कम होता है। गंगा स्नान अगर करना संभव है तो गंगा स्नान कीजिए, अन्यथा आप सादे पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। लक्ष्मी जी की पूजन करें आप दोपहर में 12:07 के बाद, एक आसन बिछाएं और लक्ष्मी नारायण जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति या उनकी फोटो स्थापित करें। पीला वस्त्र संभव हो तो पहने और उसके बाद उनकी पूजन करें, उनको पीले पुष्प चढ़ाएं और किसी पीली मिठाई का भी आप उनको भोग लगाएं। लक्ष्मी जी का किसी मंत्र का आप जप करें, किसी मंत्र का आप उच्चारण करें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। एक मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसकी भी आप 1, 2 या 5 माला करें या आप 21 बार उसको पढ़ लें, तो भी आपको पुण्यफल की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि त्रेता युग से कलयुग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। इसके बहुत अधिक महत्व है इस दिन का, इसलिए इस महत्व को ध्यान रखते हुए आप अक्षय तृतीया को विशेष पूजा करें, आप पुण्य लाभ की प्राप्ति करें। इस वीडियो से भरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में भी ये वीडियो का लिंक शेयर करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पुनः आपसे एक बार हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए। हमारे वीडियोस को आप देखेंगे तो आप अपने आप को इन सब्जेक्ट में अपडेट रख सकेंगे।